अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करें। थोड़ी अनुकूलता बना लेंगे। मन आदि का नियंत्रण, अन्य विषयों चेष्टाओं आदि से अपने मन को तनिक हटाते हुए अपने नियंत्रण में इन सबको लेकर के स्वाध्याय के लिए संकल्प एक दृढ़ता के साथ इतने समय तक हम केवल स्वाध्याय ही करेंगे, ऐसा निश्चय। अन्य विषयों को मन में नहीं आने देंगे। मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम शांतिकरण नाम के प्रकरण का स्वाध्याय जी। नमस्ते सविता माता जी। कल की कक्षा में हमने इस प्रकरण करण के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, आज 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले उच्चारण को देख लेते हैं। शन्नो अदितिर अदितिर भवतु, भवतु नहीं करेंगे, ध्यान रखिए,
भव तू, ऐसा नहीं, भव तू। नमस्ते दिगंबर जी। शनो अदितिर भव तू, नोट भव तू। अधिकांश लोग भव तू कर देते हैं। व्रते भी, वर नहीं करेंगे, वर्ते नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। व्र जैसे प्रचोदयात, ऐसे ही व्रत, तो व्रते भी। शनो भवन्तु मरुतः स्वर काः, स्वर काः। दूसरी पंक्ति देखिए, शनो विष्णु, विष्णु शमु उषा नो अस्तु शनो भवित्रं, भवित्रम नहीं करेंगे यहाँ। भवित्रम करते ना, तो उच्चारण की दृष्टि से यहां पर भवित्रन, यहां अनुस्वार को नकार उच्चारण करेंगे। भवित्रं शम वस्तु वायु, शम वस्तु वायु। शम में जो शकार है वो तालव्य है, और वस्तु में जो सकार है वो दंत्य है, इसका ध्यान रखें। शम वस्तु वायु, सामान्य उच्चारण देखिए कैसे करेंगे शुद्ध इसका। शन्नो आदितिर्भवतु व्रतेभिः, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः, शन्नो विष्णुः शमु पूषाणो अस्तु शन्नो भवित्रं शं वस्तु वायुः। ये बिल्कुल सामान्य उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण है। अब एक बार संहिता की दृष्टि से देख लीजिए। संहिता पाठ उसे कहते हैं जहां पर विसर्ग आदि का उच्चारण परवर्ती अक्षरों के अनुसार किया जाता है। देखिए, ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः, शन्नो भवन्तु मरुतस्वर्गाः, शन्नो विष्णु शमु पूषाणो अस्तु शन्नो भवित्रं शं वस्तु वायुः। ये इसके दोनों प्रकार के शुद्ध पाठ। चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं। सभी को स्पष्ट हो गया उच्चारण? सभी को स्पष्ट है? ठीक है। सबसे पहले आदर्श माता जी से सुन लेते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम शन्नो आदितिर्भवतु व्रतेभिः, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः, शन्नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शन्नो भवित्रं शं वस्तु वायुः। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया उच्चारण। एक छोटा सा संकेत करना चाहेंगे मात्र, जब आपने प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द बोला ना, तो अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर देखिए, आ है। आ तो आ एक तो स्वयं में दीर्घ है, आकार स्वयं में ही दीर्घ है। इसके पश्चात हम प्रायः आपको बताते हैं मंत्र की पंक्ति का अंतिम शब्द दीर्घ हो जाता है, छंद शास्त्र के एक सूत्र गंता से। वो कहता अंत को गुरु आदेश हो जाता है, उच्चारण में अंतिम वर्ण को गुरु आदेश हो जाता है। तो स्वर का हा ऐसा नहीं करेंगे, स्वर का हा ये अशुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? स्वर काह, आह आह, स्वर काह, ये इसका शुद्ध है। ठीक है माता जी? स्वर काह अब ठीक है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए दिगंबर जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। ओम
शन्नो आदितिर्भवतु वृद्धेभिश्शन्नो भवन्तु मरुतस्वर्का शन्नो विष्णु समुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शं वस्तु वायुः। बहुत सुंदर उच्चारण। एक स्थान पर देखो, जब आपने आरंभ किया ना तो संहिता पाठ की दृष्टि से किया, तो दूसरी पंक्ति में शन्नो विष्णु समो शन्नो विष्णु समपोषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शं वस्तु वायुः। जी आचार्य जी, विष्णु के बाद स लगाना भूल गया मैं, परिवर्तन कर। अभ्यास से बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रत्येक क्षेत्र में हमें हस्तगत होने लगती हैं। बिल्कुल जी, कमला हंस जी से सुनते हैं। कमला माता जी नमस्ते। आचार्य जी, ओम शन्नो आदितिर्भवतु वर्तेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गः ओ शन्नो विष्णुः समुपूषा पूषा नो अस्तु शन्नो पवित्रं संवस्तु वायुः। ठीक है, एक स्थान पर देखो बस, बाकी ठीक है। वो स्वर का आदि वो अभ्यास है आपका। एक स्थान पर देखो, व्रते भी नहीं करेंगे माता जी, वो व्रत होता है। व्रत 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 व्रते भी, व्रते भी। बहुत सुंदर। रवि जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य, ओम शन्नो आदितिर्भवतु व्रते भी शन्नो भवतु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णु शमु पूषानो अस्तु शन्नो भवित्रम शम वस्तु वायुः। बढ़िया, भवित्रम नहीं करेंगे यहाँ पर, भवित्रन भवित्रन। ठीक है, और मुझे ऐसा लगा कि मरुतः शब्द से पूर्व जो भवन्तु शब्द है उसका उच्चारण आपकी ओर से भवतु आया हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। यदि आपने भवंतु किया तो फिर ठीक है। जी 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 आचार्य जी। नंदन जी से सुन लेते हैं। जी, ओम सन्नो आदित्य भवतु व्रतेभिः सन्नो भवन्तु मरुतस्वर्का सन्नो विष्णु समपूषानो अस्तु सन्नो भवितुम् वायुः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया। रामपाल जी से सुन लेते हैं। शन्नो आदिति आदिति भवतु भवतु ते भी शन्नो शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गः शन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं संवस्तु वायुः। अरे वाह, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखा करो, एक दूसरे के उच्चारण को भी बड़े ध्यान से सुना करो सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी आचार्य। एसपी सिंह जी से सुनते हैं। ओम शन्नो आदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु शन्नो भवितुम् वस्तु वायुः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी से सुन लेते। ओम सन्नो ओम सन्नो आदितिर
ओम सन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभि सन्नो भवन्तु मरुतः शर्काः सन्नो विष्णु समुपूषानो अस्तु सन्नो भवित्रन् संवस्तु वायुः। बहुत बढ़िया, आज आपके तालव्य शकारों का, दंत्य सकारों का उच्चारण भी एकदम शुद्ध था, बहुत सुंदर। अच्छा एक और बात कहेंगे, देखो जब आप ओम शब्द का उच्चारण करो ना, तो इस बात के साथ आज बड़ी गंभीर बात कहते हैं। ओम को ऐसे समझो कि ये मेरा यार है और मेरा जिगरी यार है, और केवल इस यार की जो यारी है ना, इस मित्र की जो मित्रता है, ये असीम है, ये सीमाओं से परे है, ये शरीरों से परे है, ये बंधन और मोक्ष से भी परे है। अब ऐसे यार को जब पुकारे ना, तो बड़े प्रेम से और बड़ी बड़े आह्लाद के साथ पुकारे। जब भी हम ओम शब्द को बोले ना, तो उसमें फील करते हुए, उसमें भावना को डालते हुए, अनुभव में लेते हुए कि मैं मेरे यार को स्मरण कर रहा हूं, इस भावना के साथ ओम शब्द का उच्चारण करें। मतलब, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषि इसका बड़ा सुंदर विधान देते हैं। वेद मंत्र में भी बढ़िया विधान मिलता है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिबे स्मर इत्यादि, और ऋषि भी कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावना इत्यादि। ठीक है, गौरव जी से सुनते हैं, अनुकूलता है गौरव जी? जी आचार्य जी, सुनाइए। ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिश्शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रन् संवस्तु वायुः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। एक स्थान पर देखो, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द बोला ना बेटा, स्वर्काः स्वर्काः, बस इतना पर्याप्त, उसको बाद में हा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी आचार्य जी। शारदा माता जी। ओम शन्नो आदित्यर्भवतु व्रतेभि शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रन् संवस्तु वायुः। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश लोहान जी। सविता आर्या जी। ओम शन्नो अदितिर्भवतु वृतेभिः सन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः सन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु सन्नो भवित्रं समवस्तु वायुः। बढ़िया, अच्छा प्रयास। सबसे पहले देखो, चौथा शब्द देखो, वृते भी नहीं करेंगे, वीर वृते भी नहीं, व्रते भी, व्रते भी। एक तो इसको ठीक कीजिए, दूसरा शन्नो भवन्तु ऐसा नहीं करेंगे। ये जो नकार में जो ओकार लगा ना, वो दीर्घ है और दीर्घ द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक का उच्चारण काल हमारे नाड़ी की गति जितने समय में दो बार कंपित होते ना, उतना है। तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लगभग 2 सेकंड, शन्नो ऐसा। हर स्थान पर आपने शन्नो को बहुत ह्रस्व सा कर दिया ऐसे, और प्रत्येक शब्द के बाद जो शब्द यानी जो पद पूरा हो गया, उसके बाद एक हल्का सा गैप देना चाहिए। शन्नो आदित्य भवतु व्रते भी शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः इत्यादि। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। सोमाराम जी से सुन लेते हैं एक बार, अनुकूलता है सोमाराम जी? सन्नो अदितिर भवतु व्रते भी सन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः
सन्नो विष्णु समुपूषा नो अस्तु सन्नो पवित्रम संवस्तु वायुः। बढ़िया सुंदर ठीक है। इनके बाद अच्छा रजनीश जी भी हैं कक्षा में। रजनीश जी आप भी बोलेंगे? ओम नमस्ते जी। ओम शनो आदिति दित भव ओम शनो आदितिर भवतु व्रते भी शनो भवन्तु मरुतः स्वर्गः शनो विष्णुः शमपूषा नो अस्तु शनो भवित्रम शम वस्तु वायु। बढ़िया बहुत सुंदर प्रयास। एक शब्द को ठीक करो, शनो नहीं करो, शनो 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 शनो। हाँ क्योंकि शकार के ऊपर ऊपर अनुस्वार भी लगा है और अनुस्वार के उपरांत नकार है तो अनुस्वार को नकार ही आदेश हो जाएगा। जैसे आप आचमन मंत्र बोलते हैं ना संध्या में शन्नो देवी रभिष्टय, ऐसे यहाँ पर शन्नो आदितिर भवतु इत्यादि। ठीक धन्यवाद। ठीक है भारती छाबड़ा की आईडी से कोई जुड़े हैं आप बोलेंगे? जी हाँ जी बोल देते हैं जी। ओम शन्नो आदित भवतु व्रते भी शन्नो भवन्तु मरुताः स्वर्काः शन्नो विष्णुः शमुपूषा नो अस्तु शन्नो भवित्रम् शम्वस्तु वायुः। बढ़िया अच्छा प्रयास। संतोष बाला की आईडी से जुड़े हैं आप बोलेंगे? संतोष बालाजी चलिए इनको अनुकूलता नहीं है संभवतः। इसके भाष्य को देख लेते हैं। व्रते भी ही व्रतों के द्वारा आदिति ही आदिति नह संभवतु हमारे लिए सुखकारी हो। व्रतों के द्वारा अदिति हमारे लिए सुखकारी हो। ऋग्वेद 7:35:9 सातवें मंडल के 35वें सूक्त का 9वां मंत्र है ये। अब यहां पर अदिति शब्द देखें तो पृथ्वी के लिए प्रयोग है। जो पृथ्वी है वो व्रते भी ही व्रतों के द्वारा न संभवंतु अस्माकं संभवंतु भवतु हम सभी के लिए सुख को देने वाली होवे। अच्छा पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है ये व्रते भी व्रतों के द्वारा। कई लोग कहते हैं जी हम व्रत रखते हैं व्रत रखते हैं हम व्रत लेते हैं हम व्रत करते हैं हमें व्रत समझ में आया है। बहुत अच्छा है जितना समझ में आया बहुत बढ़िया। और अगर गंभीरता से व्यापकता से समझना चाहे ना तो एक बार अदिति का अवलोकन करो इस पृथ्वी का अवलोकन करो बड़ी गंभीरता से करो बड़ी सूक्ष्मता से करो व्रत समझ में आ जाएगा। अपने व्रतों का कितनी कितनी निष्ठा से पालन करती है ये अदिति ये पृथ्वी। जो नियम है ना जो अनुशासन है भंग नहीं कर सकती कभी भी क्योंकि इसका एक नियम है निश्चित अनुशासन है। इसके साथ जैसा व्यवहार करोगे ये वैसा ही आपको लौटाएगी। इसके साथ उत्तम व्यवहार करेंगे ये हमें उत्तम प्रदान करेगी। इसके साथ अनुत्तम व्यवहार करेंगे तो ये हमें अनुत्तम ही प्रदान करेगी। इसको यदि सुखी बना करके रखेंगे तो हमें निश्चित सुख की ही प्राप्ति होगी और इसको यदि दुखी बना करके रखेंगे चहूं और त्राही त्राही हो मची हो। जानते आप सब लोग हैं जैसे जैसे वर्तमान में देखें पृथ्वी का जितना दोहन किया जाता है और बाद में फिर ये कहा जाता है कि रोग बहुत हैं समस्याएं बहुत हैं बहुत प्रकार की समस्याएं ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान खोजने की तो बात छोड़िए बाद की बात है
पहले तो समस्या ही पकड़ में नहीं आ रही कि समस्या है क्या। हमने पिछले दिनों भी अनेकों बार चर्चा की है, तो व्रते भी जो अपने निश्चित नियमों का, व्रतों का पालन करती है बड़ी निष्ठा से, ऐसी पृथ्वी हमारे लिए सुखकारी हो। और कहा स्वर्काह स्तुति योग जो मरुतः प्राण है नह शम भवंतु, हमारे लिए सुख को देने वाला हो। स्तुति योग है प्राण, मरुत शब्द से, मरुत शब्द वायु के लिए कहते हैं, यहां पर प्राण अर्थ लेंगे। देखो शब्द वही है, धातु वही है, लेकिन प्रकरण भिन्न होने पर अर्थ भिन्न हो जाता है ना। ये है वो जो कहते हैं ना कि प्रकरण के अनुसार शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है। तो प्राण कैसा है? स्तुति योग्य है। आप देखो कितनी स्तुति करते हो प्राण की, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः इत्यादि, और भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। प्राण जो है वो वरण करने जैसा है। जिसने अपने प्राण का वरण कर लिया ना, जिसने अपने प्राण का वरण कर लिया, एक है प्रयत्न करना और एक है हो जाना। जैसे एक है समाधि के लिए प्रयत्न करना और एक है समाधि सिद्ध हो जाना, एक है एकाग्रता के लिए प्रयास करना, संपादित करना एकाग्रता को, और एक है अब एकाग्रता अच्छे से स्थित हो गई है, स्थापित हो गई, अब उसके लिए प्रयत्न नहीं, बस जैसे ही बैठे हो तुरंत एकाग्रता में चले गए। ठीक ऐसे ही जो प्राण है ये वर्णीय है। प्राण वर्णीय कैसे है? प्राण वर्णीय इसलिए है क्योंकि जीवन का मूल आधार ये प्राण ही है। इसलिए परमात्मा को प्राणों का भी प्राण कहते हैं। भू शब्द को देखेंगे तो भूर भूरिति वही प्राण। हाँ, और आगे कहा वर्णीय वरेण्यम शब्द को वहां पर देखें तो वर्तुम अरहम, ऐसा व्रीय वर्णे इस धातु से, अथवा वर ईप्सायम इस धातु से वर्ण शब्द सिद्ध होता है। तो वर्ण, जिसका वर्ण कर लिया जाए, जिसको चुन लिया जाए, जिसके वर्ण करने से अब निश्चिंतता है, अब कोई चिंता की बात ही नहीं। एक बात चलती है कि चिंतन कीजिए, चिंता नहीं, क्योंकि चिंता में और चिता में एक अंक बिंदु का ही भेद है। तो चिंता चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन उन्नति की ओर ले जाता है। तो ये जो प्राण है, ये जो मरुत है, ये कैसा? स्तुति के योग्य है, और ये स्तुति के योग्य प्राण, ये मरुत हमारे लिए सुखकारी हो। जैसे अभी पिछले दिनों की घटना बताते हैं, एक माता जी हैं और उनको पिछले काफी समय से उनके कंधे में बड़ी समस्या थी, उनको दर्द रहता था, और वैदिक धर्म के प्रति उनकी बड़ी अगाध निष्ठा है, बहुत गहरे उसमें आस्था रखती हैं। तो उन्हें कहा कि आप ये अमुक प्राण की क्रिया कीजिए और इस विधि के साथ कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल चार प्राणायाम स्वीकार करती हूं, मैं केवल इसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करती। उनको कहा कि आपको किसने कहा कि ये प्राणायाम है? ये चिकित्सा विधि है और ये बहुत उत्तम चिकित्सा विधि है। उनको इस बात को सुनकर के एक नई बात जानने को मिली। उन्होंने सहजता से फिर किया और एक ही समय कुछ मिनट करने के बाद उन्होंने स्वयं कहा, आज जितना मुझे लाभ मिला है, आज जितना मुझे दर्द कम अनुभव हो रहा है, इतना तो पिछले लंबे समय से कभी नहीं हुआ, एक बार। तो प्राण का वर्ण कर लेते ना जब, तो जीवन के अनेकों सारे रोग, अनेकों सारी समस्याएं प्राण के बल से ही ठीक हो सकती हैं, हो जाती हैं, की जा सकती हैं। इसलिए प्राण को कहा कि प्राण वर्ण करने योग्य है, वर्णीय है, स्तुति योग्य है, क्योंकि स्तुति किसकी की जाती है? जो उत्तमों में भी उत्तम हो, जो श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ हो,
आप देखिए स्तुति उत्तम की ही की जाती है, अनुत्तम की कोई स्तुति नहीं करता। अनुत्तम को अगर कहें तो अनुत्तम के साथ यह योग्य व्यवहार होता है बस। लेकिन स्तुति शब्द इसका संबंध इसके साथ जो हमारा जुड़ाव है वो देखें तो श्रेष्ठता के साथ है, तो इसलिए स्तुति योग्य है ये प्राण। आगे देखिए क्या कहा, विष्णु। विष्णु शब्द यहां पर सूर्य के लिए है। पिछले दिनों हमने विष्णु शब्द यज्ञ के लिए भी देखा था, यज्ञो वही विष्णु है ना। लेकिन यहां पर विष्णु का प्रयोग, विष्णु का अर्थ सूर्य करेंगे। सूर्य उ निश्चय प्रकार से, पूषा मेघ जिन्हें हम बादल भी कह देते हैं, नह शम अस्तु हमारे लिए सुखकारी हो। सूर्य और जो मेघ है वो हमारे लिए सुख को देने वाले हों, क्योंकि अगर वर्षा की प्रक्रिया को देखें, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनकी दृष्टि से भी साझा कर लेते हैं और जो जानते हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। वर्षा में जो मुख्य भूमिका होती है ना, वर्षा से परजन्य परजन्य आदि वो सारी की सारी जो व्यवस्था है, उससे शरीरों का पोषण, पोषण से वर्धन, वर्धन से उन्नति, उन्नति से सुख, ये सारी की सारी जो श्रृंखला है इसमें मुख्य भूमिका वर्षा की होती है। और इस वर्षा रूपी घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो सूर्य की ही होती है। सूर्य की ऊष्मा से यानी उसके उसकी किरणों से निकलने वाला वाली जो ऊष्मा है उससे जल वाष्प बन करके जाता है, फिर बादलों के माध्यम से स्थानों स्थानों पर वर्षा होती है। इसलिए यहां पर कहा कि सूर्य और मेघ हमारे लिए सुख को देने वाले हो, सुखकारी हो, कहीं अनावृष्टि ना हो जावे ऐसी हम व्यवस्था बना के रखें, कहीं अतिवृष्टि ना हो जावे ऐसी हम व्यवस्था बना करके रखें, और कहीं असमय वृष्टि ना हो जावे। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूं, पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में उन्होंने कृत्रिम वर्षा करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था वहां पर बनाई, वर्षा हुई और बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन ऐसी हुई चहुं और जबरदस्त आतंक मचा दिया था। इसे कहते हैं असमय में छेड़खानी, जो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक नियमों के आधार पर वर्षा होती है वही वर्षा सुखकारी है, वही वर्षा कल्याण को देने वाली। जैसे चीन है, जैसे वर्तमान में जापान है, ऐसे अनेकों देश हैं, ये जब जहां चाहे बादलों का निर्माण कर सकते हैं, वर्षा करवा सकते हैं और ये करते भी। ये बहुत बड़ी खोज है, इसको हम नकारेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी खोज है और ये बहुत उत्तम खोज है, लेकिन लेकिन ये सुखकारी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये निश्चित बात है, ये निश्चित है, क्योंकि रासायनिक प्रयोग से बादल और बादलों से फिर वर्षा, ये उन्होंने खोजा, ये बहुत उत्तम खोज है। प्रकृति के इतने गूढ़ रहस्य को उन्होंने जाना। देखो उत्तम बातों की उपेक्षा या उनको उनका अस्वीकरण नहीं करना चाहिए। प्रायः हम लोगों के सामने की बात होती है, अरे उन्हें क्या पता है, कुछ नहीं, वो तो सब ऐसे ही, भौतिकता कुछ नहीं। जिस मन बुद्धि आदि से हम अनेकों व्यवहार करते ना उन्नति के लिए, ये सब भी भौतिक वस्तु ही है। इसलिए भौतिक हो अथवा अभौतिक हो, कोई भी विशेष अनुसंधान है वो अनुसंधान बड़ा बुद्धिगम्य है, और बुद्धिगम्य जो अनुसंधान है उस परिणाम को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ यदि हमारा उससे प्रयोजन सिद्ध होता है तो ठीक है, प्रयोजन नहीं भी सिद्ध होता तब भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी एक बात कहते हैं बड़ी बढ़िया, उपस्थितम परितज्ञान उपस्थितम याचत इति बाधित न्याय। उपस्थित को छोड़ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये सुख को देने वाला नहीं है। और अंत में कहा उ वायु शम अस्तु, वह जो वायु है वह भी हमारे लिए निश्चित ही सुखकारी हो, सुख को देने वाला हो। देखो दो शब्द हैं इसमें, मरुत शब्द है और वायु
मृतभी वायु को कहते हैं, और यहां पर वायु शब्द तो है ही, वायु यहां पर लेंगे जो बहने वाला है, और मरुत लेंगे जो प्राण है जिससे जीवन का संचालन होता है। यद्यपि बहने वाला जो वायु है ये भी जीवन के संचालन का मुख्य आधार बनता है, लेकिन लेकिन जो शरीर में विद्यमान रहता है, जो शरीर में संचालित होता है, उसे यहां पर मरुत शब्द से कहा, मरुत। ठीक है, भावार्थ के रूप में देखिए, हे प्रभु आपकी कृपा से। ये कृपा शब्द यहां पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इतनी उत्तम व्यवस्था, इतना उत्तम अनुशासन मनुष्य नहीं कर सकता, कोई अल्पज्ञ नहीं कर सकता, एक देशी कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। इसलिए इसमें परमात्मा की कृपा को देखना। व्रते भी अदिति, अदिति में जो व्रत की संकल्पना है और ये जो नियमन है, ये कोई भी अल्पज्ञ नहीं कर सकता। ये नियमन, ये व्यवस्था सर्वज्ञ का ही सामर्थ्य है, सर्वत्र व्यापक का ही सामर्थ्य है, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा आपकी कृपा से पृथ्वी अन्न आदि भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले अपने व्रतों का पालन करती हुई, स्तुति योग्य प्राण शक्ति, सूर्य, मेघ तथा वायु हमारे लिए सुखकारी हो, हमारा भविष्य भी हमारे लिए सुख को देने वाला हो, अर्थात अर्थात हम ऐसे कर्म करें जिन कर्मों के उपरांत हमें पछतावा ना हो, हमें दुखी ना होना पड़े। क्योंकि वर्तमान में जो कर्म है ना, वही हमारा भविष्य है। वर्तमान में जिस प्रकार के कर्मों को हम कर नहीं रहे लेकिन बढ़ावा कर दे रहे हैं, हमें भी वैसा ही भविष्य भोगना है। हम कर भी नहीं रहे हैं, बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां पर अनुचित हो रहा है वहां पर हम मौन बने हुए हैं। जो मैं मेरे स्तर पर जो प्रयास कर सकता हूं, प्रयत्न कर सकता हूं, मैं उसको भी नहीं करता हूं। निश्चित बात है, निश्चित बात है, अनुचित को आप अनुमोदन भी नहीं दे रहे हैं, अनुचित को आप कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन मौन बने हुए हैं, तब भी आप बच नहीं पाएंगे। आपको पछतावा होगा कि कम से कम मुझे तो इसके निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य था। ऐसा ठीक है, आज के विषय को हमारी ओर से इतना ही रखते हैं। यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, मेघ किसका अर्थ बताया है? संस्कृत का शब्द क्या है मेघ जिसे बना? पूषा शब्द का, पूषा शब्द है, पूषा जी। हाँ जी जी आचार्य। ठीक, अन्य कोई नहीं? ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा, कृपा, सामर्थ्य से, उनके उनके स्नेह से, उनकी शक्तियों से, उनकी व्यवस्थाओं में, उनकी व्यवस्थाओं से हम नित ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, सुपथ पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा यह सब प्रयत्न प्रभु की कृपा से ही है। इस उत्तम प्रयत्न को भी हम उन्हें ही समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम कर पा रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक बार बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अनुभूति के साथ प्रणाम का उच्चारण करें। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।